Hey guys, what's up? So the next topic is Sihor district. All right, we'll talk about it in detail because there are so many effects from this place as well. First of all, it comes under Bhopal division. All right, Bhopal division ke andar aata hai and ye hamari is series ka 48th lecture hai jo hum MPPSC district wise series kar rahe hain isme. All right, hum sabse pehle isko hum locate karenge map pe. Main bar bar aapko map dikhati hu so that aapko ye sari cheeze yaad ho jaye, because when you will be writing mains aapko ye sari cheeze important rahengi. Aapko ek to proper map banana bhi aana chahiye. आप एकदम प्रॉपर नहीं बना सकते, बट देन यस सॉरी, बट आपको आना चाहिए, लाइक थोड़ा बहुत तो कुछ कुछ आपको आना चाहिए. ऐसा नहीं ना वहाँ पे आप एमपी के मैप के नाम पे ऐसा बना रहे हो या फिर यू नो ऐसे बना रहे हो, तो ये तो एकदम ही होपलेस हो जाएगा. तो या सबसे पहले देखेंगे सीहोर कहाँ पर है. तो देयर इन द सेंटर ऑलमोस्ट वी हैव सीहोर और ये आता है भोपाल डिवीजन के अंदर. ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन कुछ क्विक फैक्ट्स, जो बेसिक फैक्ट्स हैं. सबसे पहले पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यहाँ की कितनी है, 13 लाख, नॉट एग्जैक्टली बट 13,11,000 समथिंग है. तो यार 13 लाख हम काउंट करेंगे. एज फार एज लिटरेसी रेट इज कंसर्न, इट इज 70.1%. ऑल राइट, लिटरेसी है 70%. सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो इट इज 9:1:8 अगेंस्ट 1,000 मैन. राइट, इफ यू टॉक अबाउट एरिया तो इट इज समवेयर अराउंड 6,500 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर. इफ वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट इज घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना है, 199. इसका क्या मतलब हुआ, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की रेंज में ऑलमोस्ट 199 लोग रहते हैं. ऑल राइट, देन वी हैव सीन डिवीजन कौन सा है सीहोर का, इट कम्स अंडर भोपाल डिवीजन. ठीक है, सॉरी, इफ वी टॉक अबाउट तहसील तो तहसील की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितनी तहसील हैं, 8 तहसील हैं. ऑल राइट, देन मूविंग ऑन, सबसे पहले यहाँ पर कुछ हम और जो यहाँ के बेसिक फैक्ट्स हैं वो देखेंगे. तो पहले भोपाल जो है इसका ही पार्ट हुआ करता था, इसके अंदर ही एक भोपाल 1972 तक सीहोर जिले की ही एक तहसील था. ठीक है, तो भोपाल जो है पहले सीहोर की ही एक तहसील था. 1972 में भोपाल जो है अलग निकाल दिया गया, इससे बाहर निकाल दिया गया. तो भोपाल का जो आज प्रेजेंट फॉर्म में जो एग्जिस्टेंस है ये कब से है, 1972 से है. ठीक है, सीहोर को मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व निजाम ए मशरीफ के नाम से जाना जाता था. इसका नाम पुराना क्या था सीहोर का, निजाम ए मशरीफ. ऑलराइट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया. शहीद चैन सिंह को मध्य प्रदेश की प्रथम शहीद तथा मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है. ठीक है, कौन थे, दैट इज शहीद चैन सिंह. तो ये यहीं से थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मंगल पांडे ऑफ एमपी. ठीक है, ये इस नाम से जाने जाते हैं, मंगल पांडे ऑफ एमपी, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 में इन्होंने काफी एक्टिवली पार्ट लिया था. ठीक है, देन मूविंग ऑन, इसका पुराना नाम एक सिद्धपुर भी है. सीहोर का एक पुराना नाम क्या है, सिद्धपुर. ऑल राइट, तो ये भी एक इसका पुराना नाम है, ये भी एक फैक्ट है. ओल्ड नेम्स हमेशा पूछे जाते हैं. यहाँ पर एक सासा मारू की गुफाएं हैं यहाँ पर. ऑल राइट, कौन सी गुफाएं हैं, केव्स हैं यहाँ पर, सासा मारू की केव्स हैं, सासा मारू केव्स. केव्स भी पूछी जाती है एमपीपीएससी में. सो नेक्स्ट जो मैं सीरीज स्टार्ट करूंगी उसमें मैं टॉपिक वाइज ही करूंगी. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम केव्स की बात कर रहे हैं गुफाओं की, तो हम सारी लाइन से गुफाएं करेंगे. राइट, अगर हम रिवर्स की बात कर रहे होंगे तो हम सारी एमपी की रिवर्स जो है वो लाइन से करेंगे. हम अगर नेशनल पार्क की बात कर रहे होंगे तो हम सारी फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके नेशनल पार्क्स करेंगे. दिस वे आई विल गो आफ्टर दिस. ठीक है, इस सीरीज के बाद. देन वी ऑल्सो हैव पान गुडारिया, बुधनी से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए. ठीक है, तो बुधनी में एक जगह है पान गुडारिया, यहाँ से किसके इंस्क्रिप्शंस मिले हैं हमको, अशोक के. ऑल राइट, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया यहाँ से. देन मूविंग ऑन, अगर हम यहाँ पर कल्चरल और टूरिज्म के पर्पज से बात करें तो यहाँ रामलीला मंदिर है, सॉरी रामलला, यहाँ पर रामलला मंदिर है. ठीक है, जहाँ पर 64 शिखर है, मठ है, रामलला मंदिर है यहाँ पर. देन यहाँ जामा मस्जिद है, कुंवर चैन सिंह की छतरिया, मतलब जो वो होती है ना छतरी होती है, तो बिकॉज यहाँ पर चैन सिंह काफी फेमस थे ना, यहाँ से रिवोल्ट ऑफ 1857 में उन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, तो इनकी छतरी है यहाँ पर. देन व्हाट एल्स वी हैव, जामा मस्जिद भी है यहाँ पर. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव सलकनपुर पवित्र स्थल 2009 में घोषित किया गया. ठीक है, यहाँ पर जो है सलकनपुर है उसको 2009 में घोषित किया कि हाँ ये एक पवित्र स्थलों की श्रेणी में आता है. देन यहाँ एक देवी का मेला लगता है सलकनपुर में, तो यहाँ मेला भी है, देवी का मेला के लिए भी फेमस है सलकनपुर. अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ गणेश मंदिर है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने निर्मित किया था. ठीक है, यहाँ पर एक गणेश टेम्पल है,
किसने बनवाया था? गणेश जी का टेम्पल चंद्रगुप्त टू ने बनवाया था. ऑल राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रसिद्ध चितामन गणेश मंदिर है, चिंतामन होगा ये, चिंतामन गणेश टेम्पल है जिनका पुनर्निर्माण जो है पेशवा बाजीराव ने करवाया था. ठीक है, तो अब देखो ये एक हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि एक गणेश टेम्पल है देन एक चिंतामन गणेश टेम्पल है. तो आप इसको एक इस तरीके से याद रखो कि इफ दे आर टॉकिंग अबाउट गणेश टेम्पल तो यहाँ दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट था. अगर हम इससे बात करें, एक तो चंद्रगुप्त टू थे उनका था और एक बाजीराव का था. ठीक है, तो क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग वो पूछेंगे ही नहीं, है ना. तो इस तरीके से अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर और जो चीजें हैं, कोलार नदी का उद्गम स्थल सीहोर से ही है. ठीक है, तो कोलार नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है? सीहोर से ही होता है, ओरिजिन यहीं से है उसका. देन आष्टा तहसील से पार्वती नदी निकलती है. देन यहाँ पे पार्वती नदी की अगर हम बात करें तो वो भी यहीं से निकलती है. कहाँ से निकलती है? आष्टा. ठीक है, नदी यहाँ पर और कौन कौन सी है? नर्मदा है, दुधी है, कुलांस है, सीवान है, लोतिया है. देन बुधनी में रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं. सो देन वी हैव अ प्लेस बुधनी, जो इसकी एक तहसील है सीहोर की, यहाँ रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं. तो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट फैक्ट, डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये तो आपसे. कोलार नदी का उद्गम व कोलार जलाशय परियोजना है. ठीक है, यहाँ से उद्गम भी हो रहा है और यहाँ पर एक जो है प्रोजेक्ट भी है कोलार रिवर पर. ठीक है, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्ट. सीहोर अपने सरवती गेहूं के लिए जाना जाता है. जो गेहूं है, वीट है, इसकी बहुत सारी वेराइटीज आती है जिसमें से एक काफी रिच वेराइटी होती है सरवती गेहूं. ठीक है, तो सीहोर इसके लिए काफी फेमस है, मतलब यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी में सरवती गेहूं होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस रफी अहमद किदवई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पर है. ठीक है, देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय यहाँ पर है. ट्रैक्टर प्रशिक्षण एंड ट्रेनिंग सेंटर क्या है यहाँ पर? ट्रैक्टर, सॉरी ये खे नहीं आएगा, गलत लिख दिया मैंने. ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर एक इसका सेंटर बना हुआ है. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. देन सलकनपुर 2009 में पवित्र स्थल को घोषित किया गया और यहाँ पर सलकनपुर का मेला. वी हैव सीन दीज टू फैक्ट्स. सो या दीज आर द फैक्ट्स जो यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं. सो मेक अ नोट ऑफ इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.